हाय एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है चटपटी हरियाली आलू, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए आपको मीडियम साइज के 8-10 आलू को काटकर बॉईल करके उसके छिलका उतार कर रख लेना है। उसके बाद आधा किलो पालक के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर ब्लांच कर लेना है। फिर उसे मिक्सी के जार में डालना है और उसके साथ डालना होगा पुदीना के पत्ते, धनिया पत्ते और हरी लहसुन की पत्तियाँ, और साथ में डालना होगा नींबू का रस और आइस के कुछ क्यूब्स डाल के उसका पेस्ट बनाकर रख लेना है। फिर एक पैन को गर्म करना है, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, जीरा का तड़का डालेंगे और फिर बॉयल आलुओं को डाल देंगे। फिर नमक डालकर आलुओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर उसे एक प्लेट में उतार के रख लेंगे। फिर से एक बार कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे, उस पे सरसों का तेल डालेंगे और जीरा का फोरन डालेंगे। फिर बारी बारी से हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद उसमें ड्राई मसाला डालेंगे, धनिया डस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये चारों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद जो प्यूरी बना हुआ था पालक का, उसको डाल देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे ढककर मीडियम आंच पर कुछ देर तक पकाएंगे। फिर उसमें फ्राई किया हुआ आलूओं को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें चिली फ्लेक्स और क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिला लेने से ही तैयार हो जाएगा हमारा चटपटी हरियाली आलू, जो कि रोटी, पराठा या दाल चावल सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और इसका मज़ा लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।